जय हिंद। फिजिक्स टाइम के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है और हम लोग कर रहे हैं 10th ICSE, CBSE, स्टेट बोर्ड, हर एक जगह पर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पूछा जाने वाला टॉपिक जिसका नाम है साउंड। और साउंड में हम लोग आज के लेक्चर में बात करने वाले हैं रिलेशनशिप बिटवीन द लाउडनेस एंड इंटेंसिटी। तो लाउडनेस क्या होता है, इंटेंसिटी क्या होता है, डिटेल में हम इससे पहले प्रीवियस लेक्चर में बात कर चुके हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पर लाउडनेस और इंटेंसिटी के बारे में ब्रीफ जानकारी लेते हुए थोड़ा यूनिट और अदर पैरामीटर्स के बारे में बात करने वाले हैं हम लोग। तो हम इतना जानते हैं कि लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड करता है इंटेंसिटी के ऊपर, बट हम ये भी जानते हैं कि लाउडनेस और इंटेंसिटी दोनों सेम काइंड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, दे आर डिफरेंट टू ईच अदर। या मैं ऐसे अगर लिख कर बताऊँ कि लाउडनेस जो होगा, लाउडनेस दो चीज़ों पर डिपेंड करता है, एक तो इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड करता है, इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड करता है, और दूसरा सेंसेशन के ऊपर डिपेंड करता है। यानी कि हम ये कह रहे हैं कि जो लाउडनेस है वो इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन मैं ये भी कह रहा हूँ कि लाउडनेस इज नॉट सेम एज इंटेंसिटी। मैं ये भी कह रहा हूँ कि लाउडनेस इज नॉट सेम एज इंटेंसिटी, ये भी मैं कह रहा हूँ। तो लाउडनेस और इंटेंसिटी सेम नहीं है, लेकिन एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंसी है। क्यों सेम नहीं है ये भी मैं आपको बता दूं, बिकॉज ऑफ इंटेंसिटी इज अ मेजरेबल क्वांटिटी, ये आपको पता होना चाहिए कि ये क्या है, मेजरेबल क्वांटिटी है। यानी कि ये ऑब्जेक्टिव नेचर में होता है, ये कैसा होता है, ऑब्जेक्टिव नेचर होता है इसका, और ये जो होता है लाउडनेस जो होता है ये सब्जेक्टिव नेचर होता है इसका, कैसा होता है, सब्जेक्टिव नेचर होता है। सब्जेक्टिव नेचर का मतलब ये हो गया कि ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये ऑब्जर्वर के ऊपर डिपेंड करता है, या हम कह सकते हैं कि लिसनर के ऊपर भी, लिसनर या ऑब्जर्वर के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे मैं कहूँ कि एक हमारे पास लाउड स्पीकर है, और इधर से आवाज़ निकल रही है, तो यहाँ पर आप खड़े हैं और यहीं पर आपके फादर भी खड़े हैं, दोनों मतलब डिस्टेंस, सेम डिस्टेंस पर दोनों लोग खड़े हो आप, तो यही साउंड आपके लिए हो सकता है कि लाउड हो और आपके फादर के लिए ये लाउड ना हो, या हो सकता है कि आपके लिए ये लाउड ना हो और आपके फादर के लिए लाउड हो। तो ये डिपेंड जो करता है लाउडनेस, ये डिपेंड करता है ऑब्जर्वर या लिसनर के ऊपर, इसलिए इसको हम बोलते हैं कि ये सब्जेक्टिव नेचर में होता है। और जो इंटेंसिटी होती है, इंटेंसिटी मैं आपको बता दूं कि मान लो ये हमारे पास एक स्पीकर है और इस स्पीकर से साउंड निकल रही है, तो यहाँ पर मैंने मान लो एक यूनिट एरिया ले लिया, तो इस यूनिट एरिया से जो एनर्जी निकल रही है, पर यूनिट एरिया से पर यूनिट सेकंड, तो ये जो एनर्जी है, ये एनर्जी तो अब सबके लिए सेम होगा ना, क्योंकि इसको तो हमने मेजर कर लिया यूनिट एरिया में, यूनिट सेकंड में कितनी एनर्जी निकल रही है इस मीडियम से, तो हम उसे बोलते हैं इंटेंसिटी, पर यूनिट एरिया पर यूनिट सेकंड पासिंग थ्रू द एनर्जी, इन अ मीडियम इज नोन एज इंटेंसिटी। तो ये एक ऑब्जेक्टिव नेचर होता है, इसकी यूनिट वाट पर मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है। ये सारी बातें हमने आपको पहले भी बताई है, बस मैं रिवाइज करा रहा हूँ कि आपको याद रहे क्या होता है क्या नहीं होता है। तो जो लाउडनेस होता है ये क्या होता है, ये सेंसेशन है, ये क्या है, सेंसेशन है ये, और ये क्या है, ये मेजरेबल क्वांटिटी है, ऑब्जेक्टिव नेचर में होता है, ये सब्जेक्टिव नेचर में होता है, ये सारी चीज़ें बता दी हमने। इन सब बातों को डिटेल में बहुत डीपली स्टडी किया, स्टडी करने के बाद एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था, अपने एक्सपेरिमेंट के बिहाव पर इन्होंने बताया ये सारी बातें, जिनका नाम था बेबर एंड फेचनर। दो साइंटिस्ट थे ये, एक थे बेबर और दूसरे थे फेचनर।
तो दोनों साइंटिस्टों ने मिलकर एक्सपेरिमेंटल डेटा के बिहाफ पर इंटेंसिटी और लाउडनेस के बीच में एक रिलेशन इस्टेब्लिश किया। एक क्या इस्टेब्लिश किया? एक रिलेशन इस्टेब्लिश किया, और उस रिलेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? बेबर फैचनर इक्वेशन ऑफ साउंड। क्या बोलते हैं? बेबर फैचनर इक्वेशन ऑफ साउंड बोलते हैं, फैचनर इक्वेशन बोलते हैं ऑफ साउंड। या हम इसी रिलेशन को, जो इन्होंने रिलेशन दिया, इसी रिलेशन को इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं, इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं इसी इक्वेशन को, ब्यूसन भी बोलते हैं। क्या दिया उन्होंने? तो एक्सपेरिमेंटल डेटा के बिहाफ पर उन्होंने ये बताया कि जो लाउडनेस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लॉगरिथम, लॉग कह सकते हैं 10 I के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जहाँ I स्टैंड करता है इंटेंसिटी के लिए, I स्टैंड करता है इंटेंसिटी के लिए, और L स्टैंड करता है लाउडनेस के लिए। और यहाँ पर जो रिलेशन है, ये रिलेशन में हम प्रोपोर्शनल का सिंबल हटाएंगे तो एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, दैट इज K, और लॉग क्या हो जाएगा? 10 I हो जाएगा। और यहाँ पर जो ये K है, K इज अ कांस्टेंट, K है क्या? ये एक कांस्टेंट है ऑफ द प्रोपोर्शनलिटी, ठीक है? के इज द कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, और इस के की वैल्यू हम अपने कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग या बाय एक्सपेरिमेंटल डेटा ऑफ द वेबर फैचनर हम के की वैल्यू आगे चलकर 1 यूज करेंगे, ठीक है? एक चीज़ मैं आपको और बताते चलूँ, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है यहाँ पर। इस इक्वेशन को देखने पर ऐसा लग रहा है कि L इज इक्वल टू के लॉग 10 I के बीच में, कि I और L एक दूसरे से लीनियर रिलेशन में हैं, लेकिन याद रहे ये दोनों मतलब लीनियर रिलेशन में नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि L के इंक्रीज होने से I इंक्रीज तो हो रहा है, L के डिक्रीज होने से I डिक्रीज तो हो रहा है, लेकिन लीनियर डिक्रीज या लीनियर इंक्रीजमेंट नहीं हो रहा है। लीनियर इंक्रीज ठीक है, या लीनियर डिक्रीज नहीं हो रहा है। और वो क्यों नहीं हो रहा है? बिकॉज ऑफ यहाँ पर लॉग है, तो लॉगरिथम की वजह से एल के इंक्रीज होने से आई इंक्रीज हो रहा है, या आई के इंक्रीज होने से एल इंक्रीज हो रहा है, या इसके डिक्रीज होने से आई डिक्रीज हो रहा है, या आई के डिक्रीज होने से एल डिक्रीज तो हो रहा है, लेकिन लीनियरली तो नहीं हो रहा है, लीनियरली तो नहीं हो रहा है। तो कैसे हो रहा है? वो एक अलग उसकी लॉगरिथमिक इंक्रीजमेंट या डिक्रीजमेंट होती है। तो ये बात आपको दिमाग में रखना होगा। क्या रखना होगा? कि लाउडनेस इंक्रीज विथ इंक्रीजेज द इंटेंसिटी। क्या रखना होगा दिमाग में? कि लाउडनेस इंक्रीज द इंटेंसिटी बट नॉट इन द सेम प्रोपोर्शन। याद रखना, सेम प्रोपोर्शन में नहीं होगा, लॉगरिथमिक प्रोपोर्शन में होगा। कैसा होगा? लॉगरिथमिक प्रोपोर्शन में होगा। अगर आई इंक्रीज होएगा तो एल इंक्रीज होएगा, या एल डिक्रीज होएगा तो आई इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन कैसे इंक्रीज या डिक्रीजमेंट चल रहा है? ये लॉगरिथमिक इंक्रीजमेंट या डिक्रीजमेंट चल रहा है, ठीक है? तो अब हमने अगर इतना जान लिया कि हमारे पास दो फिजिकल क्वांटिटी है, एक लाउडनेस है और एक इंटेंसिटी है, तो दोनों फिजिकल क्वांटिटी हम मेजर कर रहे हैं, तो बताइए कि इनकी यूनिट क्या होगी। तो मैं आपको बता दूं, जो लाउडनेस है, इस लाउडनेस की यूनिट क्या होगी? तो लाउडनेस की यूनिट हम लोग क्या बोलते हैं? फोन होगा। लाउडनेस की यूनिट फोन होगा, NE मत लगाना, FPHON होगा, फोन होगा।
और इंटेंसिटी की जो यूनिट होगी वो हम लोग लिखेंगे वाट पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, एक और फिजिकल क्वांटिटी हम लोग लिख रहे हैं और वो क्या है, साउंड लेवल। क्या है? साउंड लेवल। ठीक है, और साउंड लेवल की क्या यूनिट होगी, उसकी यूनिट होगा डेसीबेल। क्या होगा यूनिट इसकी, क्या होगी? डेसीबेल। तो डेसीबेल को हम लोग स्मॉल डी से लिखते हैं और बेल को हम लोग कैपिटल बी से लिखते हैं, या हम इसको डेसीबेल कहते हैं। ये वही डेसीबेल, मतलब वही बेल हैं जो ग्राहम बेल, जिन्होंने टेलीफोन को इन्वेंट किया था, जिनका पूरा नाम साइंटिस्ट अलेक्जेंडर ग्राहम बेल था, तो वही डेसीबेल हैं ये। ठीक है, और डेसी का मतलब है कि एक यूनिट होता नहीं है, सेंटीमीटर, मीटर, डेसीमीटर, तो वही डेसी वाला मीटर है, एक यूनिट है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको एक नई फिजिकल क्वांटिटी को इंट्रोडक्शन में बता दिया कि ये क्या है, साउंड लेवल। तो मैं चाहता हूँ कि आपको साउंड लेवल भी थोड़ा सा बता ही दूँ कि साउंड लेवल होता क्या है, तो इसका थोड़ा सा मैं ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगा कि क्या है। अगर मैं कहूँ कि फैंट साउंड की इंटेंसिटी क्या होती है, तो फैंट साउंड की इंटेंसिटी की अगर मैं बात करूँ, तो अब मैं थोड़ा सा डेसीबल के बारे, यहाँ साउंड लेवल के बारे में बात करूँगा, तो उससे पहले मैं ये बातें करना पड़ेगा, ये बातें मुझे। फैंट साउंड की इंटेंसिटी कितनी होती है, फैंट साउंड इंटेंसिटी कितनी होती है बेटे? तो फैंट साउंड की इंटेंसिटी होती है 10^10, और इसको आई नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आई नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, और 10^-12 वाट पर मीटर स्क्वायर। और अगर मैं कहूं कि हाई साउंड की इंटेंसिटी कितनी होती है, तो हाई साउंड की इंटेंसिटी को आई से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये होता है 1 वाट मीटर स्क्वायर। और ये जो हाई साउंड और लो साउंड हमने लिखा है, ये ह्यूमन बींग के सेंसेशन के ऊपर लिखा है कि ह्यूमन बींग को लो से लो इतना सुनाई पड़ता है और हाई से हाई इतना सुनाई पड़ता है। अच्छा, एक बात और बता दें, अगर हम इंटेंसिटी की बात कर रहे हैं कि 10^-12 वाट पर मीटर स्क्वायर है, तो अगर मैं इसके लेवल ऑफ साउंड की बात करूं तो क्या कहूंगा, लेवल ऑफ साउंड के बारे में बात करूं तो ये मैं क्या कहूंगा? तो अगर मैं कहूं कि जो फैंट साउंड माना गया है फिजिक्स के वर्ड में, फिजिक्स में जो फैंट साउंड माना गया है वो क्या माना गया है, वो ड्रॉपिंग पिन माना गया है। क्या माना गया है? ड्रॉपिंग पिन माना गया है। ड्रॉपिंग पिन का मतलब हो गया कि फिजिक्स ने ये माना है कि जब कोई भी पिन गिरती है तो उससे कोई भी साउंड नहीं सुनाई पड़ती है, उससे जो साउंड सुनाई पड़ता है वो लगभग लगभग क्या सुनाई, क्या होता है, वो जीरो जीरो लेवल के बराबर होता है, डेसीबल के बराबर होता है। ठीक है, वो जीरो डेसीबल के बराबर होता है। तो क्या आप ये मानते हैं कि कहीं कोई पेन गिरता है तो कोई भी साउंड नहीं सुनाई पड़ता है? तो बेसिकली सुनाई पड़ता है, लेकिन साइंटिस्ट कम्युनिटी के लिए एक हमें लेवल की ज़रूरत है जहाँ से हम हर एक साउंड को कंपेयर कर सकते हैं। तो ऐसे कंपैरिजन को बनाए रखने के लिए या मेंटेन को बन करने के लिए हमने एक ऐसा ऑब्जेक्ट लिया जिसको गिराया, और गिराने के बाद हमने यह मान लिया कि इसके ड्रॉप करने पर हमें 0 डेसिबल की साउंड सुनाई पड़ती है, और अब इससे ज़्यादा जितना भी साउंड हमको ज़्यादा सुनाई पड़ेगा तो हम उसे मानेंगे कि वो हमारी एक मेजरेबल क्वांटिटी में एक पॉजिटिव वैल्यू देगी। तो मिनिमम जो आइडियल साउंड है हमने उसको पिन ड्रॉप माना, या क्या माना, ड्रॉपिंग पिन माना, या हम ऐसे कह सकते हैं कि पिन ड्रॉप माना। आप देखते होंगे टीचर लोग मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसे बोलते रहते हैं कि मुझे क्लास में आई वांट टू पिन ड्रॉप साइलेंट, ऐसे बोल देते हैं टीचर। क्या बोलते थे? आई वांट टू पिन ड्रॉप साइलेंस ड्यूरिंग द क्लास या ड्यूरिंग द लेक्चर टाइम। तो उनका यही मतलब होता है कि जब कभी भी, अब अगर कोई कहता है कि पिन ड्रॉप साइलेंस मुझको चाहिए, तो आप समझ जाना कि ये लेवल ऑफ साउंड की यूनिट की बात कर रहा है, और उस टाइम पर 0 डेसिबल होता है। याद रखना, पिन ड्रॉप साइलेंस का मतलब होता है 0 डेसिबल होता है। 0 डेसिबल का मतलब मिनिमम जो फैंट साउंड होता है, फैंट साउंड की इंटेंसिटी जो होती है वो कितनी होती है, वो होती है 10^-12 वाट पर मीटर स्क्वायर। तो ये माना गया कि कोई पिन अगर गिरती है तो वो 0 डेसिबल की साउंड निकालेगी, यानी कि उससे कोई भी लेवल ऑफ साउंड मेजर करेंगे तो ज़्यादा ही होगा, उससे कम नहीं होगा।
या हम ऐसे कह लें कि फैंट साउंड उससे निकलेगी जिसकी इंटेंसिटी 10^-12 वाट पर मीटर स्क्वायर होगा। बेटे आपको और बता दें कि जब आप वैसे जैसे कहते नहीं हैं कि बहुत चुपके चुपके से बात कर रहे हैं, जिसको बोलते हैं गपशप कर रहे हैं या फुसफुसाहट की आवाज़ कर रहे हैं, तो जब हम फुसफुसाहट की आवाज़ निकालते हैं यानी कि हम ऐसे कह लें कि सॉफ्ट विस्पर, ठीक है, विस्पर, तो इस साउंड को ये बोला गया कि ये अप्रॉक्सीमेटली 30 डेसिबल का होता है। कुछ और इम्पॉर्टेंट बातें हम कर ही लेते हैं। ये बोला गया कि सॉफ्ट जो विस्पर है यानी कि फुसफुसाहट है, ये 30 डेसिबल का है। अब ये फुसफुसाहट भी मैं आपको बता दूँ ना, ये अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग है। बहुत से लोग धीरे धीरे बात करेंगे तो उसको बोलेंगे कि ये फुसफुसाहट है, बहुत से लोगों का बहुत तेज तेज बात करना भी फुसफुसाहट हो जाता है। तो समझ लेना कि ये कैसा है, ये सब्जेक्टिव नेचर का है, ये भी एक सब्जेक्टिव नेचर का है, ये भी बात समझ लेना। लेकिन जो इसका मेजरमेंट है, दिस इज़ द लेवल है, दिस इज़ द लेवल ऑफ साउंड है, ठीक है, दिस इज़ द लेवल ऑफ साउंड है। अगर मैं नॉर्मल कन्वर्सेशन की बात करूँ तो अगर नॉर्मल कन्वर्सेशन कोई कर रहा है तो अप्रॉक्सीमेटली 50 डेसिबल माना जाता है कि वो 50 डेसिबल पर बात कर रहा है। अब नॉर्मल कन्वर्सेशन किसी के लिए बहुत बहुत तेज़ी से आवाज़ भी नॉर्मल लगता होगा और किसी के लिए बहुत धीमा आवाज़ भी नॉर्मल नहीं लगता होगा। तो ये भी एक सब्जेक्टिव प्रॉपर्टी है, ये याद रखना। लेकिन दिस इज़ द यूनिट ऑफ द मेजरमेंट ऑफ द लेवल ऑफ साउंड, ये याद रखना, ठीक है। अब अगर मैं कहूँ कि डीजल लॉरी जा रही है तो उससे कितनी डेसिबल की साउंड निकल सकती है, तो डीजल लॉरी से अप्रॉक्सीमेटली 90 डेसिबल। आमतौर पर अब जब आप सड़क पर चलेंगे और कोई भी लॉरी, डीजल लॉरी आपके पास से गुजरती है, तो आप समझ जाना कि इसकी जो साउंड होगी वो अप्रॉक्सीमेटली 90 डेसिबल की रही होगी, साउंड लेवल 90 डेसिबल की रही होगी, ठीक है। जो आपके घरों में, घरों के आसपास में जो पुलिस सायरन, घर के आसपास जब कभी पुलिस आती है तो सायरन बजाते हुए आती है, तो वो सायरन अगर बज रहा है तो उस सायरन को आप मान कर चलना कि अप्रॉक्सीमेटली उसका लेवल ऑफ साउंड जो होता है 120 डेसिबल का रहता है। इसी तरीके से जब आपके घर के ऊपर से या आसपास या वार के टाइम पर या किसी भी कंडीशन में जब जेट गुजरता है, तो जेट एट टेक ऑफ होता है, खासकर टेक ऑफ की कंडीशन में मैं बता रहा हूँ, टेक ऑफ होता है तो अप्रॉक्सीमेटली 140 डेसिबल का साउंड निकालता है, 140 डेसिबल का साउंड निकालता है। तो ये मैं बता रहा हूँ आपको कि लेवल ऑफ साउंड डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट का क्या होता है और किसी फैंट साउंड की इंटेंसिटी कितनी होती है, हाई साउंड की इंटेंसिटी कितनी होती है, ये मैंने आपको बताया। लेकिन कुछ हमने कहा था कि आपको लेवल ऑफ साउंड भी बताएंगे, उसके बाद हम डिटेल में इस टॉपिक पर हम डिस्कशन करेंगे। तो पहले तो हम ये जान लें कि साउंड इंटेंसिटी लेवल या साउंड लेवल होता क्या है। मैं यहीं पर ये बात भी मेंशन ही कर देता हूँ कि साउंड लेवल को हम एक और बात से लिखते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, साउंड इंटेंसिटी लेवल, इंटेंसिटी लेवल भी इसी को कहते हैं, ठीक है। तो साउंड इंटेंसिटी लेवल क्या होता है, डी इतनी दूर हो गया, डी, ठीक। तो साउंड इंटेंसिटी लेवल देखो क्या होता है, साउंड इंटेंसिटी लेवल होता क्या है, तो एक ये स्केल होता है और उस स्केल पर यहाँ पर होता है बिल्कुल ये जो हमने लिखा फाइंड साउंड इंटेंसिटी, जैसे 10^-12 वाट पर मीटर स्क्वायर, और फिर होता है 0.01 वाट पर मीटर स्क्वायर, और फिर होता है 0.05 वाट पर मीटर स्क्वायर, 0.05 नहीं होता है, 0.5 होता है, 0.5 वाट पर मीटर स्क्वायर, और यहाँ क्या होता है 1 वाट पर मीटर स्क्वायर। अब साउंड इंटेंसिटी लेवल क्या होता है ये आप समझो, यही बहुत इम्पोर्टेंट है समझना। जैसे मैं कहूँ कि ये हमारा एक साउंड है, ये हमारा एक साउंड है, और उसके बाद फिर एक साउंड ये इमिट हुआ, ठीक है, ये इमिट हुआ, तो इन दोनों साउंड के बीच का क्या डिफरेंस है, इसी को साउंड इंटेंसिटी लेवल या साउंड लेवल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, इसी को साउंड लेवल बोलते हैं,
इसी को क्या बोलते हैं, साउंड लेवल बोलते हैं। और मैं डिटेल में डेफिनेशन भी लिख दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। द डिफरेंस बिटवीन द लाउडनेस, ये एक लाउडनेस है, लाउडनेस नंबर L1 मान लो, इसको लाउडनेस नंबर L2 मान लो। तो द डिफरेंस बिटवीन द लाउडनेस ऑफ द टू साउंड, देखो एक साउंड ये है। तो द डिफरेंस बिटवीन टू साउंड, लाउडनेस ऑफ टू साउंड इज कॉल्ड इंटेंसिटी लेवल। इसी को बोलते हैं इंटेंसिटी लेवल, या इंटेंसिटी लेवल, या क्या बोलते हैं बेटा इसको, लेवल, देखो क्या बोलते हैं इसको, लेवल ऑफ साउंड। इसी को क्या बोलते हैं, लेवल ऑफ साउंड बोलते हैं इसको। और इट इज डिनोटेड बाई किससे डिनोट करते हैं इसको, बीटा से डिनोट करते हैं। और बहुत सारी बुक में इसे हम देखे हैं, आपकी सेलिना वाली बुक में भी एल से ही डिनोट कर दिया है इन्होंने, एल से ही डिनोट कर दिया है। आपकी मर्जी, आप बीटा से डिनोट करेंगे कि एल से डिनोट करेंगे, एज यू विश, जो आपकी मर्जी हो उससे आप डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, ये बात आपको यहाँ पर मैंने बता दी। इसमें एक बात और बता दें, हमने शुरुआत में आपको बताया था, क्या बताया था, कि यूनिट जो होती है लाउडनेस का फोन होता है, इंटेंसिटी का वाट पर मीटर स्क्वायर होता है, और लेवल ऑफ साउंड का हमने बताया था डेसीबल होता है। तो ये डेसीबल और फोन में भी एक रिलेशन होता है, या एक दूसरे से ये इक्वल होते हैं किसी एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी पर। डेसीबल यानी कि साउंड ऑफ लेवल और लाउडनेस किसी एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी पर दोनों एक दूसरे की यूनिट इक्वल होते हैं। तो इस बात को भी मैंने यहाँ डिस्कशन करने के लिए रखा है कि देखो क्या है, ये यूनिट ऑफ फोन है, ये क्या है, यूनिट ऑफ फोन है, ये सॉरी ये यूनिट ऑफ लाउडनेस है, सॉरी बेटा यूनिट ऑफ लाउडनेस है ये, ठीक है। और ये क्या है, ये यूनिट ऑफ लेवल है, ये यूनिट ऑफ लेवल है, साउंड लेवल है, ये साउंड लेवल है। तो देखो, वन फोन इज इक्विवेलेंट टू द वन डेसिबल, वन फोन इज इक्विवेलेंट टू द वन डेसिबल एट द 1 किलो हर्ट्स फ्रीक्वेंसी। कह रहा है कि 1 किलो हर्ट्स फ्रीक्वेंसी पर एक फोन जो होता है वो किसके इक्वल हो जाता है, 1 डेसिबल के इक्वल हो जाता है। ये पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर ये दोनों इक्वल हो जाते हैं, इसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर ये दोनों इक्वल हो जाते हैं। ये बात भी आप याद रखिएगा, आपकी बुक ने इसको बहुत प्रॉपर मेंशन करके रखा है, ठीक है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा और इसमें स्पेसिफिक बढ़ते हैं। यहाँ तक हमने डिटेल में आपको सिर्फ डेसिबल, साउंड ऑफ लेवल, इन्हीं सब की बात की है। तो लेवल ऑफ साउंड, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि दो साउंड के बीच के डिफरेंस को हम साउंड ऑफ लेवल बोलते हैं। और मोस्ट ऑफ द केस, या कह सकते हैं फिजिक्स में जो साउंड ऑफ लेवल का बेस माना गया है, उसे क्या क्या माना गया है कि ये जो फैंट साउंड है जिसकी इंटेंसिटी 10^-12 वाट पर मीटर स्क्वायर है, उसको ये माना गया है कि वो 0 डेसिबल का साउंड है। और 0 डेसिबल का जो साउंड है उसे माना गया है पिन ड्रॉप साइलेंस, या पिन ड्रॉप माना गया है, यानी कि पिन ड्रॉप जिस जो 0 डेसिबल का लेवल डिफरेंस है उसे ये माना गया है कि अप्रॉक्सीमेटली वो फैंट साउंड की इंटेंसिटी है जो 10^-12 वाट पर मीटर स्क्वायर की है। आप बेटे कभी मत ये कन्फ्यूज होना कि 0 डेसिबल इसके बराबर कैसे हो सकता है। भाई 0 डेसिबल का मतलब है कि एक पिन यहाँ पर गिरी, ठीक है। जब यहाँ से छोटी यहाँ पर गिरी, तो यहाँ की जो इंटेंसिटी है और यहाँ पर गिरी जो साउंड प्रोड्यूस होकर चला, दो पोजीशन पर जो इंटेंसिटी है उसका जब हमने डिफरेंस किया I-I1 I2, तो इससे हमने क्या बोला कि साउंड लेवल है, ये साउंड लेवल है जब डिफरेंस किया। और हमने ये पाया कि अप्रॉक्सीमेटली ये 0 डेसिबल का डिफरेंस पाया हमने, और हमने जो 0 डेसिबल का साउंड पाया वो अप्रॉक्सीमेटली जो जिसकी इंटेंसिटी पाई गई वो 10^-12 की इंटेंसिटी पाई गई। तो याद रखना कि साउंड लेवल इज जस्ट डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स एनर्जी प्रोपागेशन के दो पॉइंट का डिफरेंस है जो कि 0 डेसिबल माना गया, लेकिन जो फैंट साउंड है उसकी इंटेंसिटी 10^-12 वाट पर मीटर स्क्वायर मानी गई है, ठीक है। ये आप मानकर चलना, फिजिक्स में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं
जो आपको एक लिमिट के बाद ही कैलकुलेशन करनी है वो यही चीजें हैं कि 0 डेसिबल के बाद ही कैलकुलेशन करना है आपको। सपोज कर लेते हैं कि एक साउंड है और वो साउंड की इंटेंसिटी आई है, उस साउंड की इंटेंसिटी I1 है और उसका जो लाउडनेस है वो L1 है। सपोज कर ले रहे हैं कि ये है हमारे पास, तो हमारा जो बेबर और फैचनर, बेबर और फैचनर इक्वेशन बनेगा वो क्या इक्वेशन बनेगा, फॉर द मैक्सिमम, फॉर द मैक्सिमम साउंड। मैक्सिमम साउंड के लिए क्या बनेगा, मैक्सिमम साउंड के लिए तो मैक्सिमम साउंड के लिए इक्वेशन बनेगा L1 इज इक्वल टू के लॉग 10 और I1 बनेगा। और अगर मैं मानूं कि एक दूसरी साउंड है जिसकी, या वही साउंड है, सॉरी वही साउंड है लेकिन उसकी मिनिमम इंटेंसिटी कितनी है, मिनिमम इंटेंसिटी फॉर मिनिमम मिनिमम इंटेंसिटी इंटेंसिटी I0 है, मिनिमम इंटेंसिटी I0 है एंड लाउडनेस कितना है उसका, लाउडनेस कितना है उसका, L0 है। तो कह सकते हैं कि फॉर मिनिमम 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 साउंड, अब मिनिमम साउंड के लिए क्या हो जाएगा, L0 इज इक्वल टू के लॉग 10 I0 हो जाएगा। इसे क्वेश्चन नंबर 1 मान लो और इसे क्वेश्चन नंबर 2 मान लो और दोनों इक्वेशन को क्या करो बाबा, दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करो, यानी कि डिफरेंस इन द लाउडनेस ऑफ द टू साउंड, डिफरेंस डिफरेंस इन लाउडनेस ऑफ टू साउंड। अब आपको एक बात बताऊं मैं आपको, साउंड लाउडनेस इन डिफरेंस इन लाउडनेस ऑफ टू साउंड, जैसे ही दो साउंड का डिफरेंस करेंगे इसी को तो हम बोलते हैं लेवल ऑफ साउंड, इसी को तो लेवल ऑफ साउंड बोलते हैं, इसी को तो हमने कहा था बीटा से रिप्रेजेंट करेंगे L-L0, यही तो हम करेंगे। आपकी बुक ने इसको L इज इक्वल टू L1-L0 लिख दिया है, आपकी जो मर्जी वो कर लो, चाहे मेरा वाला ये कर लो और चाहे आपकी बुक ने जो दे रखा है वो कर लो, एज यू विश, आप फ्री हो जो मर्जी वो कर लेना। आपकी बुक ने L इज इक्वल टू L-L0 किया है तो मैं भी कोशिश करता हूँ कि इसी को लेकर चलूँ, बीटा वाला कॉन्सेप्ट मैं भी थोड़ा सा थोड़ी देर के लिए हटा रहा हूँ, ठीक है। तो L इज इक्वल टू L1 की वैल्यू है K, L1 की वैल्यू यहाँ पर देखो ये है, L1 की वैल्यू है K और log 10 I1 है और माइनस L0 की वैल्यू कितनी है, L0 की वैल्यू है K log 10 और I0 है और L इज इक्वल टू K कॉमन हो जाएगा और आ जाएगा log 10 I1 - log 10, base 10 है और ये I0 हो जाएगा। फार्मूला होता है बेटे log m - log n इज इक्वल टू, log n इज इक्वल टू होता है log m/n होता है। तो L इज इक्वल टू K और log, अब देखो m - n, m की जगह पर I1 है, log क्या है I1 है और माइनस लॉग एन की जगह पर क्या है I0 है, तो ये क्या हो जाएगा log 10 और यहाँ से हो जाएगा I1/I0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा I1/I0 हो जाएगा। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द लेवल ऑफ साउंड, यही फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है बेटे। तो यहाँ पर आपको बताने की, हम बता भी दे रहे हैं कि I0 क्या है, यहाँ पर I0 मिनिमम इंटेंसिटी है, मैं फिर से बता दे रहा हूँ आपको, मिनिमम इंटेंसिटी है यहाँ पर। और आई क्या है, आई क्या है, आई एक मैक्सिमम इंटेंसिटी है आपको, तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ इफ आई नॉट ऐसे लिख दे रहा हूँ, इफ़ I0 इज द मिनिमम इंटेंसिटी जिसकी वैल्यू 10^-12 W/m² होगा और ऑफ किसके लिए होगा, ये आइडियल साउंड के लिए होगा, किसके लिए होगा आइडियल साउंड, साउंड एट फ्रीक्वेंसी 1 kHz के लिए होगा, 1 kHz के लिए होगा। और देन देन L इज कॉल्ड, L चाहे आप लिखो और चाहे आप बीटा से लिख सकते हो या L और बीटा में दोनों लिख दे रहा हूँ, L से लिखो चाहे आप बीटा से लिखो, आर कॉल्ड साउंड कॉल्ड द
साउंड लेवल, इसी को हम क्या बोलते हैं, साउंड लेवल। क्यों साउंड लेवल बोल रहे हैं, क्योंकि एल हमने बताया ना आपको, एल कैसे आता है, डिफरेंस बिटवीन द टू साउंड, दो साउंड के बीच में जैसे ही डिफरेंस करेंगे तुरंत क्या आ जाएगा, साउंड लेवल आ जाएगा। ठीक है, तो हमने इतनी बातें कर ली। अब देखो यहाँ पर के की वैल्यू आप 1 यूज कर लो, एक्सपेरिमेंटली वेबर और फैचनर के अकॉर्डिंग ये लेंगे हम लोग। तो अगर के की वैल्यू 1 यूज कर लिया तो एल इज इक्वल टू ये कितना आ जाएगा, लॉग और I1 अपॉन I0 आ जाएगा, ये आ जाएगा। एल इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, लॉग I1 अपॉन I2 आ जाएगा यहाँ से। और ये बेस 10 मत भूलना, यहाँ पर बेस 10 देखो छूट गया है। ठीक है, और यूनिट इसकी क्या होगी, बेल होगी। यूनिट क्या होगी इसकी, बेल होगी। बेटे मैं थोड़ा सा क्या करता हूँ ना, 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 10 से मल्टीप्लाई करके क्या कर देता हूँ, लॉग 10 और I1 अपॉन I0, और इसको ऐसे करके और इनटू 1/10, यहाँ से देखो 10 मल्टीप्लाई किया तो 10 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, और बेल कर देता हूँ। और 1 dB अगर मैं कहूँ 1 dB किसके इक्वल होगा, 1 dB किसके इक्वल होगा, तो 1/10 के इक्वल होता है। ठीक है, 1 dB किसके इक्वल होगा, 1 dB किसके इक्वल होगा, 1/10 के इक्वल होता है। ठीक है, तो अगर मैं कहूँ कि L इज इक्वल टू, अब ये वैल्यू कितना लिखूँगा, तो आप बोलोगे क्या बोलोगे, आप बोलोगे कि 1/10 और बेल जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, तो तुरंत आप बोलोगे, आपका आंसर होना चाहिए क्योंकि आपने पढ़ लिया है और आपको मालूम भी है ये बात, क्या बोलोगे, ये I10 कैसे हो गया, I0 है ये, I0। आप क्या बोलोगे कि ये डेसीबेल हो गया, ये कितना हो गया है, ये डेसीबेल हो गया। तो याद रखना ये यहाँ पर जो है ना वो बेल लिखा हुआ है, यहाँ पर बेल लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, डेसीबेल लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, डेसीबेल लिखा हुआ है। या आप इसी को 10 log 10 I1 अपॉन I0 और पूरा का पूरा डेसीबेल ही लिख दो आप, ये डेसीबेल ही लिख दो आप। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला फॉर द साउंड लेवल, साउंड लेवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ठीक है बेटा, ये याद रखना, हमेशा याद रखना। ठीक है, ये जो साउंड डेसीबेल है, मैंने पहले भी बताया है कि बेल वही बेल हैं जो साइंटिस्ट अलेक्जेंडर ग्राहम बेल थे, जिन्होंने टेलीफोन को इन्वेंट किया था, उन्हीं के हॉनर में, उन्हीं के नाम पर इसकी यूनिट पड़ गई थी। ठीक है, अब एक चीज़ और मैं आपको यहीं पर बताते चलता हूँ कि अगर मैं ये मान लूँ कि I1 जो है हमारा वो I के बराबर है, I0 के बराबर है, तब इस फार्मूले को जरा सॉल्व करो तो क्या मिलेगा आपको, लॉग 10 और I0 अपॉन I0, और I0 से I0 कैंसिल हो जाएगा, L इज इक्वल टू 10 और लॉग और 10 और इनटू क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। अब आप क्या पाओगे कि ये जो लॉग 1 की वैल्यू होगी वो 0 होगी, इसका मतलब ये है कि जो आपका साउंड लेवल है, जो आपका साउंड लेवल है वो साउंड लेवल कितना आया, 0 आ गया। साउंड लेवल कितना आ गया, 0 आ गया। अब साउंड लेवल आया, जिसकी वैल्यू 0 होती है उस साउंड लेवल को हम क्या बोलते हैं, फैंट साउंड बोलते हैं। और फैंट साउंड देखो यहाँ पर मैंने बताया है आपको, फैंट साउंड यहाँ पर मैंने बताया है, ये बताया है कि फैंट साउंड की इंटेंसिटी कितनी होती है, 10^-12 वाट पर मीटर स्क्वायर होती है। तो फैंट साउंड इंटेंसिटी कितनी होती है बेटे, वो फैंट साउंड की इंटेंसिटी मैंने आपको 10^-12 वाट पर मीटर स्क्वायर बता रखा है पहले से ही। और जिसकी फ्रीक्वेंसी किस कितनी होगी, कितने फ्रीक्वेंसी पर बताया है मैंने, 1 kHz पर बताया है, यानी कि मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि 1000 Hz पर बताया है। तो उस लेक्चर को स्किप मत करना, स्किप करोगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि लेक्चर में हमने जितनी भी बातें बताई हैं सारी की सारी बातें रिलेवेंट हैं, और इस पूरे लेक्चर में वो सारी बातों को मैं यूज करूँगा। ठीक है, तो इन्होंने बताया कि 1 kHz पर जो फ्रीक्वेंसी है वो 1 kHz की फ्रीक्वेंसी पर जो इंटेंसिटी है वो 10^-12 वाट पर मीटर स्क्वायर की है, और साउंड लेवल उसका कितना है, 0 है। ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ और देखो, ये तो फर्स्ट केस हमने आपको एक्सप्लेन किया, एक सेकंड केस भी एक्सप्लेन कर लेते हैं। हम सपोज कर लेते हैं कि जो I1 की जो वैल्यू है वो 100 times हमारा 0 लेवल की साउंड से ग्रेटर हो गया है। अब हमारा जो साउंड लेवल होगा वो देखो कितना आएगा, साउंड लेवल होगा वो कितना हो जाएगा, वो 10 और लॉग
आई वन की जगह पर 100 आई नॉट रखेंगे और अपान आई नॉट, आई नॉट से आई नॉट कैंसिल हो जाएगा और 10 और लॉग 10 यहाँ रहेगा और यहाँ 10 100 हो जाएगा और 10 लॉग और 10 और 100 की पावर को हम 10^2 लिख सकते हैं और यहाँ पर कितना हो जाएगा 10 इंटू लॉग। देखो एक बात और बता दूँ कि एक फार्मूला होता है लॉग एम टू दी पावर एन का फार्मूला होता है एन लॉग एम होता है, मतलब जो ये यहाँ पर वैल्यू होती है उसकी डिग्री जो होती है वो आगे आ जाती है, देखो डिग्री आगे आ जाती है तो 2 आगे आ जाएगा और 10 हो जाएगा और लॉग कितना हो जाएगा यहाँ पर लॉग कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा और लॉग 10 की वैल्यू 1 होती है, लॉग 10 की वैल्यू 1 होती है और ये 20 मिल जाएगा, ये मल्टीप्लाई करके कितना हो जाएगा 20 मिल जाएगा, तो 20 डेसिबल आ गया। तो अगर मैंने देखा कि जो हमारा जीरो जिसकी इंटेंसिटी 10^-12 वाट पर मीटर स्क्वायर है उस इंटेंसिटी की साउंड का 100 टाइम्स मैं बढ़ा दूं तो 20 डेसिबल की साउंड लेवल आ जा रही है। इसी तरीके से अगर मैं 1000 बढ़ा दूं तो क्या होगा, इसी तरीके से 1000 बढ़ा दूं तो क्या होगा, आई वन की वैल्यू अगर मैं 1000 आई नॉट लिख लूं तो साउंड लेवल देखो क्या होगा, साउंड लेवल देखो क्या होगा, अब साउंड लेवल हमारा हो जाएगा L इज इक्वल टू 10 और इंटू लॉग 10 और 1000 आई नॉट अपान आई नॉट हो जाएगा, आई नॉट से आई नॉट कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से कितना हो जाएगा जी 10 और लॉग 10 और 10^3 यहाँ 30 डेसिबल आ जाएगा। ऐसे अगर मैं फोर्थ कंडीशन में देखूँ कि आई नॉट को हमने क्या किया 10,000 टाइम्स बढ़ा दिया ऐसे आई को आई नॉट की कंपैरिजन में, अब साउंड लेवल देखो कितना हो जाएगा, अब साउंड लेवल अगर हम देखें तो एल इज इक्वल टू 10 इंटू लॉग और 10 और 10,000 आई नॉट अपान आई नॉट ये कैंसिल होकर कितना मिलेगा, ये 40 डेसिबल मिलेगा। तो आप देख रहे हैं कि हमने आई वन को कितना मतलब विगोरेसली बढ़ाया है और डेसिबल हमारा किस तरीके से बढ़ रहा है। तो जो हमने एक लाइन बोला था कि आई और आई नॉट एक दूसरे से रिलेशन में तो हैं, सॉरी लाउडनेस और इंटेंसिटी या लेवल ऑफ साउंड और इंटेंसिटी एक दूसरे से रिलेशन में तो हैं लेकिन वो लीनियर रिलेशन में नहीं है, हमने आपको बताया था लीनियर रिलेशन में नहीं है, वो एक दूसरे से लीनियर रिलेशन में नहीं है, इंक्रीज इंटेंसिटी बट नॉट इन द सेम प्रपोर्सनल, ये है सेम प्रपोर्सन में रिलेशन में तो नहीं है। मैंने जो बताया था उस बात का प्रूवमेंट भी आपको मिल गया, देखो उस बात का प्रूवमेंट मिल गया ना कि मैंने 100 टाइम्स बढ़ाया आई नॉट के कंपैरिजन में आई को तो वो क्या मिला 20 डेसिबल मिला, 1000 बढ़ाया तो 30 डेसिबल और 10,000 बढ़ाया तो 40 डेसिबल। सेम प्रपोर्सन में चीज़ें नहीं बढ़ रही हैं जबकि वो एक दूसरे से डायरेक्टली प्रपोर्सनल है, डायरेक्टली तो प्रपोर्सनल है एल आई के डायरेक्टली तो प्रपोर्सनल है लेकिन सेम प्रपोर्सन में नहीं बढ़ रही हैं, वो प्रपोर्सन कुछ अलग ही जा रहा है जो कि लॉगरिथम प्रपोर्सन है। ठीक है बेटा, तो ये बातें मैंने आपको जो जो एक एक लाइन लिखा ना उस एक एक लाइन का एक्सप्लेनेशन मैं आपको दे रहा हूँ, बहुत ही इम्पोर्टेंट ये चीज़ें चल रही हैं। अगर मैं कहूँ अब नाउ इफ एल इज इक्वल टू 1 डेसिबल, अगर मैं कहूँ कि ये 1 डेसिबल है, अगर 1 डेसिबल है तो आपको पता हो जाना चाहिए कि एल इज इक्वल टू 10 लॉग 10 और आई अपान आई नॉट होता है, इसकी वैल्यू अगर 1 रख दें तो 10 और लॉग 10 आई अपान आई नॉट हो जाएगा और यहाँ से ये सॉल्व होकर कितना आ जाएगा लॉग आई अपान आई नॉट और यहाँ 10 चलता रहेगा और इक्वल टू 1/10 हो जाएगा, ये 10 इसके अपान में आ जाएगा। ठीक है, और फिर इसको आई अपान आई नॉट कर दो और यहाँ पर एंटी लॉग लेना पड़ेगा क्योंकि लॉग को उसके अपान में भेज रहे हैं तो एंटी लॉग लेना पड़ेगा आपको और एंटी लॉग 1/10 हो जाएगा और इस एंटी लॉग की जो वैल्यू होगी, एंटी लॉग की जो वैल्यू होगी वो 0.1 की जो वैल्यू होती है 1.26 होता है, एंटी लॉग 0.1 की वैल्यू 1.26 होता है। अब अगर आई अपान आई नॉट की वैल्यू देखो तो 1.26 आ रहा है बाई 1, अब अगर आई की वैल्यू आप ले रहे हो 1.26 तो आई की आई नॉट की वैल्यू इसका मतलब 1 आ रहा होगा और अगर डिफरेंस निकालो आई माइनस आई नॉट का तो 0.26 का डिफरेंस आएगा, या मैं करके ही दिखा दूँ 1.26 माइनस 1 और आई माइनस आई नॉट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.26 और अगर मैं परसेंटेज में निकालूँ
परसेंटेज निकालूं आई माइनस आई नॉट अपान आई नॉट, मतलब इंक्रीज इन परसेंट, इंक्रीज इन परसेंट अगर मैं निकालूं, परसेंट में निकालूं तो इनटू 100, तो इसकी वैल्यू तो 20.0 कितना आया है, इसकी वैल्यू कितनी है, आई माइनस आई नॉट की वैल्यू कितनी है 0.26 और आई नॉट की वैल्यू 1 है और इनटू 100, तो इसको सॉल्व करूंगा तो 26% आ जाएगा। कितना आ जाएगा ये, 26% आ जाएगा। ठीक है, इसका ये मतलब हुआ कि अगर मैं आई को बढ़ाना चाह रहा हूँ, किसको बढ़ाना चाह रहा हूँ, आई को बढ़ाना चाह रहा हूँ, या साउंड, या मैं ऐसे कहूँ कि लेवल ऑफ वो मतलब इंटेंसिटी को बढ़ाऊँ मैं 26%, इंटेंसिटी को कितना बढ़ाऊँ मैं 26%, तो साउंड का लेवल जो है, साउंड का जो लेवल है वो 1 डेसिबल बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा, 1 डेसिबल बढ़ेगा। अगर मैं, अब देखो इंटेंसिटी को कितना बढ़ाया था मैंने 26%, तो साउंड का लेवल 1 डेसिबल, हमने बताया ना कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो है लेकिन वो सेम प्रोपोर्शन में नहीं है। इंटेंसिटी को 26% बढ़ाने पर साउंड का लेवल 1 डेसिबल बढ़ रहा है, इंटेंसिटी को 52% यानी कि 26 × 2 इतना इंटेंसिटी हमने इंक्रीज की, तो हमारे जो साउंड का लेवल है वो कितना हो जाएगा, वो 2 डेसिबल होगा। अगर मैंने इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो 6 × 18 × 3 = 7 इतना परसेंट हमने इंटेंसिटी इंक्रीज किया, तो साउंड लेवल कितना बढ़ रहा है, 3 डेसिबल हो रहा है। तो शायद आपको समझ में आ गया होगा कि डेसिबल और साउंड की इंटेंसिटी में क्या डिफरेंस होगा। इस तरीके से अगर मैं डेफिनेशन लिखूं इसकी, तो डेफिनेशन कुछ इस तरीके से होगा कि 1 डेसिबल इज द डिफाइंड एज द इंक्रीज इन द लेवल ऑफ लाउडनेस। देखो, लेवल ऑफ लाउडनेस को अगर हम इंक्रीज करें तो कितना इंक्रीज हो रहा है, द इंटेंसिटी ऑफ द साउंड इंक्रीज इन 26%। हमने आपको प्रैक्टिकली करके भी दिखाया कि कह रहा है कि इंक्रीज इन द लेवल ऑफ साउंड, इंक्रीज इन द लेवल ऑफ लाउडनेस, अगर हम लाउडनेस के लेवल को इंक्रीज करते हैं 1 डेसिबल, तो इंटेंसिटी कितनी इंक्रीज होती है बेटा, इंटेंसिटी 26% इंक्रीज होती है। अगर मैंने 2 डेसिबल कर दिया तो इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी, तो इंटेंसिटी हो जाएगी 52% इंक्रीज हो जाएगी। और अगर इसको 3 डेसिबल कर दिया तो फिर से मैं वही बताने की कोशिश कर रहा हूँ, तो इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी, 78% इंक्रीज हो जाएगी। तो फिर मैंने एक एक लाइन जो आपको डेफिनेशन में बताया उस सब की फिजिकल मीनिंग विथ मैथमेटिकल इक्वेशन मैंने बताया, सारे डेरिवेशन सब कुछ इस लेक्चर में हमने आपको बताया। आई होप ये लेक्चर आपको बहुत पसंद आया होगा क्योंकि ये लेक्चर बहुत ही क्वालिटेटिव लेक्चर है। और हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में जिसका नाम है नॉइज पॉल्यूशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो बेटा, थैंक यू।